हेलो गाइस, कैसे हैं? फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आए फिर से एक मज़ेदार वीडियो और धमाल वीडियो। तो हम आज बनाने वाले हैं एलईडी प्रोजेक्टर, जो कि काफ़ी ख़तरनाक बनता है और काफ़ी यूनिक दिखता है। तो हम इसके लिए मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से एलईडी लाइट मंगाए हैं, जो कि ये बोतल में फिट करते हैं, और बोतल में फिट करने के बाद काफ़ी यूनिक दिखता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम आपको आज इसके अंदर फिट करके दिखाएंगे। और दूसरी बात कि ये है वाटर प्रूफ, तो हम वाटर प्रूफ भी चेक करेंगे कि वाटर प्रूफ है या नहीं है। तो हमारे पास टोटल 3 बोतल है, तो हम तीनों बोतल में है ना, तीनों बोतल में हम लाइट को लगाएंगे, जिसमें कि एक लाइट में हम पानी डालेंगे बोतल में और पैक करके फिर उसको जलाएंगे कि देखते हैं कि वाटर प्रूफ है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने भी वीडियो रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को गाइस आप शुरू करते फाइनली हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 3 बोतल है, और हमने एक पानी का बोतल लिए हैं, जो कि हम पानी एक में पानी हम डालेंगे, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे कि वाटर प्रूफ है क्या हमारा लाइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बोतल को साइड में करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कि हमने जो फ्लिपकार्ट से जो पार्सल मंगाए थे, हमारा कुछ इस तरह से पार्सल आ रखे हैं। तो गाइस हम इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कटिंग करते हैं, और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि इसमें कैसा लाइट आया हुआ है। तो गाइस फाइनली हमने इसको ओपन किए हैं, कुछ इस तरह का लाइट दिख रहा है, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। और कुछ इस तरह से इसका पैकिंग है, जो कि काफ़ी अच्छे से तो पैकिंग किया हुआ है। तो फिर हम इसको भी ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा कटिंग कर देते हैं, जैसे कि हमारा वायर नहीं कटना चाहिए, सिर्फ टेप कटना चाहिए। काफ़ी मजबूत टेप मारा है गाइस, तो इसको हम अच्छे से एक बार ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लाइट दिख रहा है हमारा, जो कि काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। तो इसको भी हम बाहर करते हैं, इसको साइड में करते हैं, और इसको भी हम बाहर निकालते हैं गाइस। तो गाइस आप फाइनली आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ये लाइट दिख रहा है, और यहाँ पे इसका लॉक है, जो कि इसको मैं निकाल दूँगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा, उससे चालू हो जाएगा। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन भी दे रखा है, तो अभी हम ऑन कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रहा है, जैसे मैं इसको निकालूँगा फिर ऑन हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली कुछ इस तरह से जलता है। तो हम तीनों को पहले लॉक निकाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं गाइस। तो फाइनली हमने गाइस तीनों का निकाल दिए हैं, और हम एक साथ अभी तीनों को चालू करके देखते हैं कि क्या होता है, चालू होता है क्या। तो गाइस आप देख सकते हैं, लाइट बंद कीजिएगा एक बार। तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली हमने ये 2 लाइट चालू किए, और ये हमारा एक तीसरा लाइट है। तो कुछ इस तरह से गाइस दिखता है ये लाइट, काफ़ी प्यारा लाइट है। लेकिन हम इसको चेक करने वाले हैं कि वाटर प्रूफ है क्या, कि फ़्लिपकार्ट ऐसे क्या सच बोलता है कि झूठ बोलता है, तो वही चेक करने का है। तो हम इसको लाइट को अभी बंद करते हैं, उसके बाद इसको हम साइड में। तो गाइस हमारे पास 3 बोतल हैं, तो हम तीनों में फिट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दिखता है इसके बोतल के अंदर फिट करने में। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका जो स्टिकर है इसको हम बाहर निकालेंगे, थोड़ा टाइट है लेकिन निकल जाएगा। तो गाइस हम इसको पहले निकाल लेते हैं बाहर, स्टिकर को। तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली हमने इस स्टिकर को इसका बाहर निकाल दिए, उसके बाद हम इसका भी निकालते हैं, तीनों बोतल का।
काफ़ी मजबूत से स्टिकर लगा हुआ है, तो स्टिकर बहुत ज़रूरी है निकालना, तभी आपको पूरी तरह से लाइट दिखेगा इसके अंदर जलते हुए। तो हम तीनों बोतल को पहले स्टिकर हटा देते हैं। काफ़ी मजबूती से लगा हुआ है इसका स्टिकर गाइस। तो इसको फाइनली हमने तीनों बोतल का गाइस हमने स्टिकर इसको निकाल दिए और इसको हम साइड में फेंक देते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर लाइट आपको लगाएंगे एलईडी, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको चालू करके। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमने तीनों बोतल का स्टिकर निकाल दिए हैं। अभी हम एक एक करके इसके अंदर है ना एलईडी फिट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम कैप को निकाल लेते बाहर, उसके बाद इसको वायर को पूरी तरह से ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है गाइस। तो इसको पहले हम पूरी तरह से ओपन कर लेते हैं। तो काफ़ी पतला पतला बारीक बारीक वायर है, तो इसको हम पूरी तरह से इसको ओपन कर लेते हैं पहले। तो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली ये कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद हमको इसको बोतल में डालने का है, तो गाइस हम डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस फाइनली हमारा बोतल के अंदर पूरी तरह से एलईडी हमने डाल दिए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं तो फाइनली कुछ इस तरह से बोतल दिखता है गाइस। उसके बाद हम इसके अंदर भी डालते हैं एलईडी को, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो इसका भी कहाँ से लॉक है देख लेते हैं, बहुत अच्छे से लॉक किया हो रहते हैं लोग। हाँ मिल गया। तो गाइस हम इसको भी ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। पतला पतला बहुत ज़्यादा ही वायर है, तो टूटने का भी टेंशन है। इसके लिए जब भी आप मंगाइएगा तो इसको संभाल के कीजिएगा। तो गाइस काफ़ी पतला वायर है इसका, बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं लगता पानी के अंदर ये जलेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि पानी के अंदर जलता है क्या। वाटरप्रूफ तो दिया है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। तो इसको भी हम अंदर डालते हैं गाइस। इसको पूरी तरह से हम अंदर डालेंगे के बाद ये भी हमारा चलता है कि नहीं देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने दो बोतल में पूरी तरह से लाइट लगा दिए हैं। अभी तीसरा बोतल के भी बाकी है, तो हम इसमें पानी डालने वाले हैं, उसके बाद हम इसके अंदर एलईडी डालेंगे, उसके बाद देखते हैं कि जलता है क्या। तो हम तीनों लाइट को एक ही साथ चालू करके आपको दिखाएंगे। तो इसके अंदर हम पानी डालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पानी भरते हैं, जितना हो सके पानी फुल करते हैं इसको। तो गाइस फाइनली देखिए पानी इसमें मैंने फुल कर दिया है, और इस बोतल को हम साइड में कर देते हैं और इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये हमारा तीसरा एलईडी है, अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर डालेंगे। और फ्लिपकार्ट ने बताया कि वाटरप्रूफ है, तो ये भी मुझे चेक करना है कि वाटरप्रूफ है क्या। तो इसको हम पहले बाहर निकालते हैं,
उसके बाद देखते हैं। तो इसको भी हम गाइस आप देख सकते हैं, इसको भी हम बाहर आराम से निकालते हैं क्योंकि काफ़ी टूटने का डर है, क्योंकि टूटना नहीं चाहिए। और काफ़ी पतला वायर है गाइस, देख सकते हैं आप, बहुत डिफ़िकल्ट है इसको ओपन करना। तो इसको हम सबसे पहले बाहर करते हैं, पूरा फंस गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली मैंने इसको ओपन कर दिया। अभी हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, उसके बाद देखते हैं गाइस कि हमारा लाइट जलता है कि नहीं जलता है। तो गाइस फाइनली अभी हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, इसको कंप्लीट करना है फटाफट। पता नहीं, अभी देखते हैं जलता है कि नहीं जलता हमारा एलईडी, वो तो चालू करने के बाद पता चलेगा। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर पानी भर दिया है, इसके अंदर मैंने एलईडी लाइट भी डाल दी है। तो अभी हम तीनों को चालू करते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से चलता है। और पानी वाला का तो कमी गारंटी है, मुझे तो नहीं लग रहा है जलेगा, लेकिन देखते हैं। तो लाइट बंद कीजिएगा, चालू करके आपको हम दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा पानी वाला बोतल, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। तो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली कुछ इस तरह से बोतल दिख रहा है, काफ़ी यूनिक लुक लग रहा है। और पानी वाले जो बोतल है इसका भी कुछ अलग ही गाइस दिख रहा है, देखिए इसके अंदर पूरी तरह पानी फुल है और इसके अंदर भी हमारा लाइट जल रहा है और इसके अंदर हमारा पानी नहीं है। तो पानी डालने के बाद और पानी बिना पानी का देखिए कितना डिफ़िकल्ट है गाइस, और काफ़ी यूनिक लग रहा है। तो कभी भी आप लोग ऑनलाइन परचेस करेंगे तो फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा। और इसका प्राइस है फिर सिर्फ 199, बहुत ही कम है। और ये बोतल आपका कहीं भी मिल जाएगा, इसकी प्राइस सिर्फ 199 है। तो गाइस देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये भी देख सकते हैं गाइस आप फाइनली, इसके अंदर भी पानी नहीं है। और घर के डेकोरेशन के लिए काफ़ी बल्कि बहुत अच्छा है। तो गाइस आपने फाइनली देखा कितना अच्छा लाइट है, बल्कि 199 का है, पैसे वसूल है। तो जब भी आपको मंगाना रहेगा तो फ्लिपकार्ट से आप मंगा लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके बाय, जय हिंद।